हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था जो क्यों मैंने तीनों के तीनों रामकृष्ण मिशन को क्यों क्विट किया था। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कॉम्प्लीट स्टोरी आज जो क्यों मैंने क्विट किया था, जो रामकृष्ण मिशन, विद्या मंदिर, जो बेलूर मठ है एंड जो रोहरा है, एंड उसके साथ साथ जो रोहरा रामकृष्ण मिशन ये है जो सेंचुरियन कॉलेज के नाम में भी जाना जाता है, जो हम लोग का रेसिडेंशियल कॉलेज है। ठीक है, और तीनों के तीनों मैं क्यों क्विट किया था। इनफैक्ट इन सब में टॉप में रहकर भी, मतलब मैं यहाँ पे लिस्ट भी दिखाऊंगा जहाँ पे ऑलमोस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट में, मतलब मैं बहुत सारे में टॉप भी किया था, सेकेंड, मतलब सब में ऑलमोस्ट टॉप 5 में ही था, फिर भी मैंने क्यों क्विट किया इतने सारे इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स एंड इसके जो इम्पोर्टेंस, ये भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। देखो रामकृष्ण मिशन जो तीनों होता है, तीनों ही डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। ठीक है, नो डाउट बहुत ही अच्छा है, बट कुछ पर्सनल मेरा इशू और मुझे मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पर मैंने दो तीन को यहाँ पे क्विट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे उसके पीछे रीज़न क्या है। देखो, पहले तो मैं बता दूँ, ये जो तीनों रामकृष्ण मिशन के जो कलकत्ता में तीनों कॉलेजेस हैं, ठीक है, एक है तुम्हारा विद्या मंदिर, यहाँ पे भी तुम्हारा मास्टर्स में एडमिशन होगा। ठीक है, जो बेसिकली बेलूर मठ जो मेन कैंपस है, ठीक है, रामकृष्ण मिशन का। उसके बाद आता है तुम्हारा नरेंद्र रामकृष्ण मिशन जो नरेंद्रपुर में है, रेसिडेंशियल कॉलेज, एंड उसके साथ है जो रामकृष्ण मिशन सेंचुरियन कॉलेज, जो विवेकानंद सेंचुरियन कॉलेज जो रोहरा में है। ठीक है, और इन तीनों का अलग अलग एग्जाम होता है। ठीक है, तीनों का अलग एग्जाम होता है और इनमें साइंस के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट ही हैं। तो इन सब में जो है ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है और नैक में इन सब की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, ए ग्रेडेड है, बट यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स मुझे लगा। ठीक है, उस टाइम में आई थिंक मेरे को लगा कुछ ड्रॉबैक्स है, ऑब्वियसली मेरा पर्सनल था। ठीक है, मतलब मेरी अकॉर्डिंग में वो ड्रॉबैक्स लगा, तुम सबके अकॉर्डिंग में वो ड्रॉबैक्स नहीं भी लग सकते। ठीक है, तो पहले मैं बता दूँ रामकृष्ण मिशन को मैं क्यों क्विट किया, जो बेलूर मठ है, यहाँ पे मेरा रैंक 2 आया था। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो रिजल्ट यहाँ पे है, एक मिनट, ओके, तो जो रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ था, यहाँ पे मेरा रैंक 2 आया था। इसका बेसिकली एडमिशन तुम्हारा एक टेस्ट होगा। ठीक है, एक फाइबर वॉइस, मतलब एक इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में बहुत इजी क्वेश्चन ही पूछा गया था, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, बट ये मेरी लाइफ की पहला इंटरव्यू था सच में, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला था इसी इंटरव्यू से मुझे, जो कैसे इंटरव्यू को टैकल करना चाहिए। ये मेरी लाइफ की पहला इंटरव्यू था, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन गलत किया था। ठीक है, मुझे पता है मैंने एक क्वेश्चन गलत किया था जो मैंने बोल नहीं पाया था, वो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही था, क्योंकि बिकॉज इतने सारे टीचर वहाँ पे घिरा हुआ था तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, तो एक क्वेश्चन गलत बोला था मैं। और जो आई थिंक टॉप किया था कुछ सुधा सत्तरॉय, जो 32 मिला था मुझे, 30 मिला था। ठीक है, मैं सेकेंड हुआ था वहाँ पे, बट इसका मुझे क्विट करने का जो मेन रीज़न था, देखो बेसिकली इसके क्विट करने का मेन रीज़न था इसका बेसिकली अप्लाइड केमिस्ट्री था। ठीक है, हाँ, बहुत जल्दी नेट गेट क्वालिफाई करता है, गेट बहुत यहाँ से लग जाता है जिसका गेट में टारगेट है, बट वो यहाँ पे डेफिनेटली जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे गेट की जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, और इनफैक्ट IIT खड़गपुर में बहुत लोग यहाँ से जाकर फर्दर मास्टर्स के बाद MTech करता है। ठीक है, बट ये अप्लाइड केमिस्ट्री था, इसलिए मैंने बेसिकली मेरा टारगेट जोन नहीं था, मेरा कॉम्प्लीटली ऑर्गेनिक पहले से ही टारगेट जोन था, तो मैंने इसलिए इसको क्विट कर दिया। ठीक है, सेकेंड आता है तुम्हारा जो नरेंद्रपुर, ठीक है, यहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया था, बट इसकी जो बात है इन सब में क्या होना पड़ता है, इन सब में वहाँ पे रहना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे रहना पड़ता है बहुत सारे में, और यहाँ पे जाए तो पहले में भी रहना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे भी तुम्हें रहना पड़ेगा, ओके, बट यहाँ पे जो नरेंद्रपुर क्विट करने की जो मेन रीज़न था, ये भी कलकत्ता में ही है, फिर भी मैंने इसको क्विट किया, बिकॉज उस टाइम मैं बेसिकली मेंटली बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, क्योंकि उस टाइम जस्ट मेरी मतलब ब्रेकअप हुआ था। ठीक है, उस टाइम मतलब जो है होता है ना कॉलेज की जो सो कॉल्ड है, इन सब में चक्कर में मत जाना, क्योंकि लाइफ को बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर सकता है, तो मेरे साथ भी यही हुआ था। तो बट नरेंद्रपुर इसका नेट गेट के हिसाब से इज अ ह्यूज, बहुत ही हाई होता है। ठीक है, मतलब इसकी जो बेसिकली नेट गेट की जो
क्रैक करने की जो रेट है इसकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, नेट गेट क्रैक करने का रेट है, ठीक है। बट फिर भी मैंने ही क्विट किया क्योंकि कलकत्ता में है और उस टाइम मैं कलकत्ता में बिल्कुल भी स्टे नहीं करना चाहता था, ठीक है। मुझे हमेशा लग रहा था मैं बाहर जाऊँगा, ठीक है, मुझे बाहर जाना है किसी भी करके, ठीक है। तो उस टाइम मेरा मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कलकत्ता, क्योंकि जो होता है ना प्यार में जो धोखा मिलता है उसको ही होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको क्विट किया। बट नो डाउट रामकृष्ण मिशन डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है और नेट गेट की जो रेट है वो बहुत बहुत गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो तुम लोग डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो अपना मास्टर्स में यहाँ पे भी, ठीक है। ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद रहोरा, रहोरा में मेरा 7 रैंक आया था मुझे याद है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा है। बट यहाँ पे मेरा उतना इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि इसका देखो एडमिशन जो फीस था ये थोड़ा ज़्यादा ही था, ठीक है। आई थिंक 2 साल में कुछ 80,000 के आसपास, 90,000 के आसपास जा रहा था, ठीक है। तो मुझे लगा अगर मैं गवर्नमेंट में जा सकता हूँ तो मेरा 4 to 5,000 में मास्टर्स कंप्लीट हो सकता है, मैं इतना क्यों पे करूँ, ठीक है। मुझे पे करने की कोई रीज़न समझ नहीं आया, क्योंकि इसका लैब भी ऐसे तो मुझे नहीं लगा जो बहुत अच्छा हो जाएगा जो मैं इतना पे करूँ, ठीक है। इसके लिए मैंने बोला नहीं, इसका यहाँ पे एडमिशन लेने की कोई मकसद मुझे नहीं लगता है। अगर एडमिशन लेना ही है तो मैं किसी भी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से करो, वो बहुत बेटर रहेगा। बट यहाँ पे तुम्हें एडमिशन लेने के बाद अगर मैं मेन कैंपस की जो हेल्प है वो नहीं ले पा रहा हूं बट फिर भी मुझे इतना पे करना पड़ रहा है, ये डेफिनेटली बहुत अच्छा होता, बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा डेफिनेटली। तो मैं हमेशा बोलता हूं अगर मास्टर्स करना है ट्राई करो मेन कैंपस, ठीक है। तो मेरा जो रामकृष्ण मिशन रहोरा ना लेने की मकसद था, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। बट ये जो नरेंद्रपुर है, नरेंद्रपुर की नेट गेट क्वालिटी बहुत अच्छा है, हर रहोरा में भी अच्छा है लग जाता है, बट नरेंद्रपुर का उसके थोड़ा ज़्यादा ही रेट है, ठीक है, मतलब नेट गेट क्रैक करने का। इनफैक्ट बहुत लोग तो मतलब टॉप 100 में भी आ जाता है नेट गेट में, तो डेफिनेटली ये भी अच्छा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। बट मैं और जो और एक जो मेन बात था इस रामकृष्ण मिशन क्विट करने का मेरा, क्योंकि यहाँ पे तुम अगर एडमिशन लोगे ना, यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन ओरिएंटेड हो जाओगे, और मैं कभी भी डिसिप्लिन अभी भी नहीं हूँ, ठीक है, मतलब कभी मैं मेंटेन नहीं कर पाता। इनफैक्ट जब मेरा मास्टर्स में था उस टाइम मैं कभी भी मतलब कॉलेज की अगर रेट देखा जाए, आई थिंक मेरा 2 सेमेस्टर में, 1 सेमेस्टर में होगा जहाँ पे मेरा अटेंडेंस था, बाकी 3 में नहीं था, ठीक है। मैं घर में रहता था, मेस में रहता था और कम्प्लीटली NPTEL देखता था, और उस टाइम मैं इनफैक्ट मैं अनअकैडमी में वीडियो बनाता था मास्टर्स के टाइम में भी, ठीक है। इसके लिए मुझे जब मैं मास्टर्स ख़त्म किया, ठीक है, उसी टाइम इंस्टेंट मुझे मतलब मास्टर्स ख़त्म भी नहीं किया था जब, आई थिंक कुछ दिन बाकी भी था, उस टाइम से भी मेरा बात चल रहा था। एंड इनफैक्ट मैं उसी टाइम मोस्ट यंगेस्ट एडुकेटर के हिसाब से मैंने ज्वाइन कर लिया था उसकी जो जैम कैटेगरी है, ठीक है, मतलब जैम सेक्टर में, क्योंकि मैं उसी टाइम से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे लगता है ये मुझे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस रामकृष्ण मिशन क्विट करने का, तीनों के तीनों। आई थिंक मुझे लगता है डेफिनेटली बहुत अच्छा डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम में मैं जो अपना टाइम स्पेंड किया था, मेरी जो पैशन था उस चीज़ पर, रादर देन मैं चलो कोई भी इंस्टीट्यूशन चला गया बिना मतलब कि चलो मास्टर्स करना है, मास्टर्स तो डेफिनेटली करना है कोई भी कोई इंस्टीट्यूशन से, बट बिना मतलब के कहां पे भी एडमिशन लेना ये डेफिनेटली गलत होगा। तुम्हें जहां पे अच्छा लगता है, तुम्हारे जहां पे ड्रीम जाएगा, वहां भी एडमिशन लेना बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा तुम्हारे लिए। इनफैक्ट मैं क्लास भी नहीं करता था, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत इरेगुलर हूं, और रामकृष्ण मिशन ना जाने का ये वन ऑफ द मोस्ट फैक्ट तुम बता सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट रात में मेरा कोई टाइम नहीं रहता है, जो कब मैं सोऊंगा कब करूंगा कुछ नहीं रहता है, और वहां पे तो बहुत ज्यादा टाइम मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा पल्लव बोल रहा है बंगाली में क्यों नहीं बोलते, देखो मैं तो ऑब्वियसली बंगाली हूँ, बंगाली बोल ही सकते हो, बट मेरी जो यहाँ पे बेस है, मतलब सारे जो स्टूडेंट्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से हैं, इसलिए मैं बंगाली में नहीं बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यही बताऊंगा डेफिनेटली जो अप्लाइड या इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए रामकृष्ण मिशन जो विद्या मंदिर है ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम एडमिशन लोगे तो इंडस्ट्री में तुम्हारा नौकरी लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और तुम्हें जो जॉब सेटिस्फेक्शन है यहाँ पे ज़्यादा होगा। मैं बोल रहा हूँ बाकी जो नॉर्मल है ना मास्टर से यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि एप्लीकेशन ओरिएंटेड या इंडस्ट्री ओरिएंटेड तुम्हें प्रिपरेशन कराएगा, ठीक है। मुझे याद है इसकी जब जो बेलूर मठ का जो मतलब जो प्रिंसिपल है, ठीक है, जब मैंने मेरा रिजल्ट निकल गया तो मैंने उनसे बात करने गया था, ठीक है। तो इसका सबसे पहले एग्जाम हुआ था उस साल, मतलब सबसे पहले, एंड रिजल्ट भी निकल गया था, ठीक है। तो जब मैंने गया तो
मैंने सोचा था चलो यहाँ पे एडमिशन लेकर रख दूंगा, उसके बाद में जहाँ पे अच्छा लगे मैं क्विट कर लूंगा। तो मैं एडमिशन लेने गया तो प्रिंसिपल ने मुझे पूछा, तो मतलब जो होता है ना वहाँ पे जो स्वामी जी होता है उसने पूछा जो तो अनुप यहाँ पे तुम्हें क्या अच्छा लगता है केमिस्ट्री में। तो मैंने वहाँ पे डायरेक्टली बोला था, मतलब वहाँ पे मुझे एक दिन पता चला था ऑनेस्टी क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने बोला सर बेसिकली मुझे केमिस्ट्री अच्छा लगता है, ऑर्गेनिक अप्लाइड केमिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मेरे यहाँ पे करियर बनाने का कोई इच्छा भी नहीं है। तो सर ने बोला तो फिर क्यों एडमिशन ले रहे हो। मैंने बोला सर अभी तक तो कोई भी दूसरे इंस्टीट्यूशन में नहीं निकला, तो मैं चाहता हूँ जो यहाँ पे एडमिशन लेकर रखूँ, तो उसके बाद में अगर कहाँ पर मिलेगा तो मैं क्विट कर सकता हूँ। ठीक है, उस टाइम एडमिशन फीस था 11,000 कुछ समथिंग था आई थिंक, हाँ 11,900 था। ठीक है, तो मैंने तब उस टाइम बोला सर, बोला अच्छा ये बात है तुम्हारा अभी तक कोई नहीं निकला इसलिए तुम यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो। मैंने हाँ बोला हाँ सर यही बेसिक रीज़न है। तो सर ने बोला ठीक है तुम एडमिशन मत लो, ठीक है मैं तुम्हारे जो सीट है मैं तब तक बुक करके रखूंगा। ठीक है, तुमको मैं 10 दिन टाइम दिया, उसके अंदर तुम्हें तुम्हें एडमिशन नहीं लेना है। तुम अगर कोई भी दूसरे इंस्टीट्यूशन में मिल जाएगा तो डेफिनेटली तुम वहाँ पे चले जाओ, बट जब अगर नहीं होगा तुम्हारे लिए इंस्टीट्यूशन हमेशा ओपन रहेगा। ठीक है, मतलब इतना बड़ा सपोर्ट दिया था, बट बाकी सारे जो रामकृष्ण मिशन है यहाँ पे मुझे सपोर्ट नहीं मिला था, मैंने वहाँ पे अटेम्प्ट नहीं किया तो दूसरे को सीट दे दिया। ठीक है, बट ओनली जो बेलूर मठ था वहाँ पे मुझे सपोर्ट मिला था और बहुत ही बढ़िया था। उन्हें फिजिक्स की प्रोफेसर था तो मतलब जो प्रिंसिपल है, बट उसने मतलब बहुत ही अच्छे से मुझे गाइड किया था और बोला चलो जहाँ पे इच्छा है वहाँ पे जाओ, तुम्हारे सीट हमेशा लिए इंस्टीट्यूशन तुम्हारे लिए हमेशा ओपन रहेगा। तो एटमोसफियर बहुत बढ़िया है, जो स्टूडेंट यहाँ पे जाना चाहता है डेफिनेटली बहुत ही एटमोसफियर अच्छा है। बट मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जहाँ पे तुम्हारा मन अच्छा लगे वहाँ पे एडमिशन लो, किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे जो एडमिशन इस साल होने वाला है, बहुत लोग पूछे कैसे प्रोसेस, देखो यहाँ पे जो एडमिशन की प्रोसेस है ये तुम्हारा मेरिट के बेसिस पर ही होगा आई थिंक, बट रामकृष्ण मिशन तुम्हारा इंटरव्यू कॉन्डक्ट कराएगा। ठीक है, जो बेलूर मठ का ये इंटरव्यू कॉन्डक्ट कराएगा, बट जो रोहरा एंड जो रेसिडेंशियल है ये दोनों क्या करेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा मेरिट के बेसिस पर ही लेगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो है ये तुम्हारा बेलूर तुम्हारा ये बेसिकली मेन कैंपस है रामकृष्ण मिशन की, ये तुम्हारा क्या करेगा ये तुम्हें इंटरव्यू लेगा, और इंटरव्यू में उतना भी डिफिकल्ट भी नहीं पूछा जाता है। मुझे लगा था उतना डिफिकल्ट नहीं है, मुझे जैसे लगा था ये लाइफ की पहला इंटरव्यू था जस्ट, बट इजी ऑलमोस्ट तुम्हारा बेसिक से ही पूछा जाएगा। ठीक है, बेसिक से ही पूछा जाएगा, तो डेफिनेटली ये सब अच्छा ऑप्शन रहेगा, तीनों के तीनों रामकृष्ण मिशन ही तुम लोगों के लिए। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बताया मैं क्यों क्विट किया, ठीक है मेरी क्विट करने का रीज़न क्या था। ठीक है, बट ऐसे बात नहीं था जो इंस्टीट्यूशन खराब है इनके लिए मैं क्विट किया। ठीक है, मेरी कुछ फाइनेंशियल रीज़न या मेरी ड्रीम इन सबको या मेरी पैशन इन सबको कॉम्बाइन करके मुझे लगा था जो इनको क्विट करना चाहिए इसलिए मैंने क्विट किया था। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अपना खुद का सुनो अपना दिल का सुनो, ठीक है दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं ये मैटर नहीं करेगा। क्योंकि उस टाइम बहुत लोगों ने मुझे बोला था चलो अरे यहाँ पे चले जा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में रामकृष्ण मिशन को एक ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है, सबको पता है कि सबको लगता है अरे यहाँ पे जा रहा है तो मतलब लड़का बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मतलब एकदम साधु टाइप हो जाएगा। ठीक है, मतलब गलत संग में नहीं जाएगा, बट मुझे लगता है ऐसे कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी जा सकता है। ठीक है, और इसका जो बोलता है जो नेचर में इफेक्ट करेगा मुझे पता नहीं है, मेरा तो इफेक्ट नहीं डाल सकता था इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं किया। तो तुम लोग को एक ही बात बोलूंगा, पैशन या सब कुछ इन सब के ऊपर डिपेंड करके तुम्हें जो अच्छा लगे वहाँ पे ही जाओ। ठीक है, मैंने इन सारे रीजन एंड मेरी खुद की सुना एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे क्विट कर दिया। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है, तुम अगर गूगल में जाओगे तो नैक ए ग्रेडेड है, नैक ए प्लस ए ग्रेड तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी नहीं होता है, बट ए नैक ए प्लस ग्रेड भी है, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा अगर तुम इन तीनों में कहाँ पे भी एडमिशन ले लो तुम्हारे अकॉर्डिंग से। ठीक है, तो अगर कोई भी यस रोहन ओनली बेलूर मठ में यहाँ पर रहना पड़ता है, पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे अभी तो कोई ऐसे रूल नहीं है, बट अभी तो तुम लोग आराम से भी घर से ही पढ़ सकते हो। ठीक है, आराम से पढ़ सकते हो घर में, क्योंकि कोविड के सिचुएशन है तो ये प्रॉब्लम तुम लोगों का भी नहीं होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली तुम लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। मैंने बताया किसका क्या हेल्पफुल होगा, कहाँ पे तुम्हें जॉब जल्दी से मिल सकता है, इंडस्ट्रियल है बेलूर वहाँ पे, और जो रेसिडेंशियल है यहाँ पे नेट के बहुत ही अच्छा रेट है, और उसके बाद रेसिडेंशियल। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगा इन सारे एग्जाम के ऊपर मैं सबके पहले तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय।